जी वेल आई एम द करंट कवर गर्ल फॉर द एग्जिबिट जुलाई इशू बिकॉज जुलाई को ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज होने जा रही है तो एग्जिबिट मैगजीन के लिए आई एम द कवर गर्ल सो वी आर शूटिंग फॉर द कवर शूट एंड देन साइड पेजेस एज वेल सो या वी आर शूटिंग फॉर द मैगजीन कॉल्ड एग्जिबिट जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती बिकॉज इट्स अ वेरी सक्सेसफुल आई मस्ट से द वेरी फर्स्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज ऑफ मस्ती सीरीज एंड आई एम सो आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट इट्स अ चैलेंजिंग रोल एंड आई प्ले अ गर्लफ्रेंड ऑफ थ्री गाइज रितेश विवेक आफ्ताब एंड हाउ शी टर्न्स इनटू अ वर्जन होस्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस गर्ल द कैरेक्टर विच आई पोर्ट्रे इन द फिल्म इज़ अ मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी एंड मेन सेंटर ऑफ द फिल्म एंड द सोल ऑफ द फिल्म अगर वो नहीं है फिल्म में तो कुछ नहीं हो सकता तो वो पूरी जान है कहानी की सो टू बी एबल टू पोर्ट्रे सच सिग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड टू हैव दैट लेवल ऑफ यू नो बिलीव फ्रॉम माई प्रोड्यूसर्स माई डायरेक्टर्स माई एक्टर्स एंड टू बी एबल टू वर्क विद सच एन अमेजिंग एक्टर्स इट्स अ ट्रीट सो आई एम थैंकफुल टू दैम बिकॉज उनको इतना ज़्यादा बिलीव है मेरे ऊपर तो आई एम जस्ट सो वेरी थैंकफुल क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए मैं जाना चाहूँगा कि आपने जैसे स्टार्टिंग करी थी तो सिंह साहब की ग्रेड से स्टार्टिंग करी थी इसमें एकदम से इंडियन कैरेक्टर था एंड अभी जो इसमें जो है एकदम से बोल्ड कैरेक्टर है तो इसकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आपसे इसीलिए देखिए एज एन एक्टर एक वो कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है कि यू नो हर किसी की लाइफ में और एक जीवन में एक वो कैरेक्टर होना चाहिए जो बहुत ही थोड़ा हटके हो टेढ़ा कैरेक्टर हो फॉर एग्जांपल जैसे काजल जो है काजोल उन्होंने किया था गुप्त में एक नेगेटिव कैरेक्टर तो तभी मैं भी ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती में एक कैरेक्टर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है ऑफकोर्स शी इज़ द सोलो हीरोइन ऑफ द फिल्म बट ये एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग कैरेक्टर है सो आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो मुझे इस फिल्म में कॉमेडी करने का मौका मिला एक्शन करने का मौका मिला और साथ ही साथ यू नो रोमांस करने का मौका मिला सो इतनी सारी इमोशंस को जीना और इतने सारे इमोशंस को महसूस करके और यू नो टू बी एबल टू एज एन एक्टर टू शोकेस योर सेल्फ टू द फुलेस्ट आई थिंक दिस इज़ अ फिल्म जी मैं दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूँगी आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया सनम रे आप सब की वजह से हिट हुई और आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया मुझे सनम रे में तो आप ज़रूर आइए ज़रूर देखिए ग्रेट ग्रैंड मस्ती ये मेरी पहली कॉमेडी फिल्म है तो सेकेंड जुलाई को आइए और ज़रूर देखिए ग्रेट ग्रैंड मस्ती इट्स अ फैमिली फिल्म बिल्कुल भी वल्गर फिल्म नहीं है और इट्स मोर इंस्पायर्ड बाई मस्ती पार्ट वन सीरीज एंड बहुत फैमिली फिल्म है तो आप सब के सब आ सकते हैं फैमिली के संग और इन्जॉय कर सकते हैं थैंक यू सो मच